ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬ ਕਲੇਜੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕ ਨਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁੰਨੀ ਖੜਾ ਸ਼ਪੈਕ ਮੇਰੇ ਸੋਤਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਮੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ਪੈਕ ਗੈਂਗ ਸ਼ਪੈਕ ਗੈਂਗ ਸ਼ਪੈਕ ਗੈਂਗ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ਪੈਕ ਗੈਂਗ ਸ਼ਪੈਕ ਗੈਂਗ ਸ਼ਪੈਕ ਗੈਂਗ बेहतरीन किस्म का हमारा नाश्ता हो चुका है, अंडे, ब्रेड, चाय, जैम, मक्खन वगैरह भी। खैर अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आर एस एस एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। फिलहाल जो है वो वहाँ से फ़ोन आ चुका है कि कसाई पहुँचने लगा है या पता नहीं पहुँच गया, तो आप लोग भी जल्दी से पहुँचो, उसको चीबोटी करनी है, मतलब ईद शुरू होनी, ईद शुरू हो चुकी है। खैर आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो अभी हसन मेरे ख्याल से अपनी वीडियो बना रहा है, उसकी वीडियो जैसी कंप्लीट होती है, कोई 2-3 मिनट शायद रह गए, उसकी वीडियो जैसी कंप्लीट होगी फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर और अपनी कुर्बानी शुरू करेंगे। शपैकी, ये शपैकी किसी ताड़ में फिर रही है इधर। शपैकी, ए मानव इधर क्या है? ये इस तरह तभी फिर रही थी जब उसे कुछ छिपकली या कोई इस तरह की चीज नजर आई हो, तो फिर ये काफी देर उसको ढूंढती रहती है। हाँ मानव, क्या हुआ, किस चीज को ढूंढ रही है? असल में इसके ना 2 दोस्त भी हैं परिंदे, वो यहाँ कहीं रहते हैं मेरा ख्याल है। शारक जो होती है ना, वो इस टावर पे बैठे होते हैं या वो टैंकी पे बैठे होते हैं, तो ये आती है जब भी, ये इनकी डेली की रूटीन है। ये शपैकी बाय टेरेस में आती है, वो वहाँ से उड़ के आते हैं, फिर ये आपस में खेलते हैं। ये कल वाली वीडियो के एंड में मैंने दिखाया था कि 2 नए ये सोफ़ा आए हैं, इनको अखबारें वगैरह उतार दी गई हैं इनकी, तो मैंने आपको वीडियो में कहा था कि कल मैं ये आपको दिखा दूंगा। तो अक्सर लोग ये फर्नीचर का पूछते रहते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह या पिक्चर वगैरह इस तरह कोई भी सीन है, तो इन सोफ़ा के ऊपर मैं कैमरा 2 मिनट रोकता हूँ। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो डिज़ाइन का। वैसे है कैसा, सही सी बताओ, अम्मी की चॉइस मज़ेदार ही होती है, मुझे खुद बड़ा मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे पड़े हुए। ये वाली दीवार पर ना मुझे थोड़ी थोड़ी खाली लगती थी, वो भी इस सारे एरिया के साथ ये अब अच्छा लग रहा है सीन। ये सारा वेलवेट लगा हुआ है और ये इसका डिज़ाइन है। आप यहाँ पे 2 सेकंड रोकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। और ये जो कल साथ में 3 आए थे, ये मुझे लगा था कि ये नए बनवाए हैं, ये लेकिन नए नहीं है, ये पहले जो थे वो है। इनका कलर ज़रा डार्क ब्राउन कलर का था, इस तरह का कलर था जब ये हमने मंगवाए थे, तो वो अम्मी ने उनको भेजे थे, ये पॉलिश करवाई है सेम इस कलर की ताकि ये फर्नीचर के साथ सारा मैच हो सके। अच्छा जी, ये होते हैं लौंडे लपाड़े, कोई तीसरी ईद मेरे ख्याल एक ही सूट के अंदर है, बावा टूंगियाँ हुई हैं, कोई मलंग हाल। अब मैं आपको दिखाता हूँ गैर शादीशुदा लौंडे लपाड़ों वाली जिंदगी, ये होती है जी शादीशुदा आदमी की जिंदगी। वेस्ट कोट खिंच के, बॉस की दा सूट पा के, बेगम ने तैयार करके मुंडा भेजे है। ईद मुबारक कह दे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी चल रही है ईद? बहुत अच्छी चल रही है, हूने तो उठे हैं, बहुत अच्छी चल रही है। सुबह का उठा हूं। अच्छा भी आज वैसे जो है ना वो इस तरफ भी बादल नजर आ रहे हैं और हल्के हल्के बादल जो वो ऊपर आते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो धूप बहुत ज्यादा तेज वाली नहीं है। और वेदर फोरकास्ट भी मैंने चेक किया था, उसके अंदर वो शो कर रहा था कि आज मेरा ख्याल है कि उसका ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है, उसका ख्याल है कि आज शायद बारिश होगी। देखते हैं, बादल जिस तरह के आने शुरू हो रहे हैं वो लगता है कि कोई सीन बन जाएगा। ये इस तरफ शेरू खड़ा है, लेकिन आज मैंने शेरू के पास नहीं जाना, ये डरता है। पास तो मैं आ गया हूँ लेकिन ज़्यादा पास नहीं उसके जाना, डर जाता है फिर वो ज़रा काम ख़राब हो जाता है। अभी वैसे भी टाइम आया हुआ उसका। हाँ भाई, की हाल है? ज़िबा नहीं आया है? कोई भी नहीं आया? अच्छा, वालेकुम सलाम, क्या क्या हाल चाल है? की चीज़ है? तुसी भी आओगे यूट्यूब पे? किसके होटल की? अच्छा, ये आपका होटल है इधर? चलो ठीक हो गया। की कर ला? क्या उर्दू में कर लो? पंजाबी में नहीं, उर्दू में कर लो। पंजाबी बोल, खोल के बोल, की हो गया? रस्सा डालने लगे अब, नंबर डाल के। ये जब भी कुर्बानी पे कसाई इसको जो है वो ज़िबा करने लगते हैं तो उसको रस्सियाँ वगैरह डाल रहे होते हैं, तो मामू का लूंगर ऑन हो जाता है, उन पे गुस्सा करते हैं और फिर उनको गालियाँ दे रहे हैं। अनुद्रो कर, अनुद्रो कर, रोया सी ना पिछली ईद ते, हैं की होया सी उदों? डर लगदा सी। हुण भी बच्चा खुल्या तेरा विच ही निकल जाना। नहीं निकल।
निकल जाना है ना उमर? हाँ निकल जाएगा इसका। कुर्बानी हमारी हो चुकी है, अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और टाइम हो गया 1:03। अभी बाकी सारा जो प्रोसेस है उसका वो कंप्लीट हो गया, सारा घर पहुँच जाएगा। अभी मौसम जो है वो कुछ बेहतर हो रहा है। अच्छा, मैं अपने जानवर को सिर्फ एक दिन पहले ही हमारा ये शहर आया था कल, और कल एक ही दफ़ा मिला हूँ, लेकिन अपने जानवर से एक बंदे की अलग अटैचमेंट होती है कि उसको ज़िबा हुआ भी सर थोड़ा ना देखा नहीं जाता। पहले बड़ी आसानी से देखा जाता था, अभी पता नहीं इस बार कुछ अलग सीन हुआ है। और वो ये इसी का नाम कुर्बानी है, कुर्बानी इस लफ्ज़ के अंदर ही सारा जवाब है। फिलहाल उमेर के पास जा रहे हैं और कोई देखते हैं चाय शाय पीने का कोई सीन बनाते हैं। मौसम फुल बादलों से एकदम भर रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेदर फॉरकास्ट है वो आज सच्चा होने वाला है, क्योंकि बादल बहुत तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और एक खूबसूरत मंजर बन गया। ईद पे शुक्र है ये हुआ। मैं तो कहता हूँ बारिश बरसे अन्नी बरसे, ये सारे जो हब्बस इतना और सेक हुआ है वो तो निकले कम से कम। उमेर ने हमें ज्वाइन कर लिया, क्या हाल चाल है उमेर? ठीक ठाक। कैसी गुजर रही है ईद? ईद अभी तक तो सही जा रही है। सही जा रही है, तेरी सुना कैसी जा रही है? ओ बेहतरीन, ज़िबा करवा लिया? तो उन्हें कलेजी नहीं खिलाई, मर्जी वाली बात है। वैसे फर्स्ट टाइम ही करा दिया, मुझे कहा था कि आजा खाएं अभी कलेजी बैठ के। सही है, मौसम अच्छा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि बारिश होएगी। मैं जितना मुझे बारिश का इंतजार होता है इतना किसी चीज का नहीं होता। हेलो दीमू। वालेकुम। इस बार मेरा और तेरा सूट मैच नहीं हुआ। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। देख हमारा हो गया। ओए ट्विनिंग ट्विनिंग, तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा आपस में? बड़ा पुराना चक्कर। बैठो कोई चाय शाय पिए, क्योंकि उमेर ने तो मुझे कलेजी का लारा लगा के और कलेजी नहीं खिलाई। चलो कच्ची नहीं बन गई थी कलेजी इनके घर। आइडिया था वैसे तेरा, ठीक है कि नान लेते हैं और घर जाके कलेजी ठूसते हैं। बोतलें तहजीब के बिस्किट खिलाता हूं। कौन सी? अच्छा मुझे लगा कह रहे तहजीब चले। अच्छा तहजीब के बिस्किट आए हैं फिर? ये नहीं, फिर यही बेस्ट है कि कोई रोटी नान पकड़ते हैं और उमेर की तरफ चलते हैं। तू इजी है कि अभी फरावानी रवानी किसमें कह रहा है? हाँ बहावल नगर की अल मशहूर नानो वाली गली सामने अन्ने वार रश हुआ और ये हमारा नानो, तेरी नानो, ये फैंसी नान लेके आ रहे। फैंसी इज अ ग्रेट मैन। इतनी जल्दी कैसे ले आया? बस सादा वाले मिले। वो तू इतना दूर गया, वो सामने देख नान लग रहे उस तरफ। ए आया नान ते कलेजी। अबे अब लग रहा है कि ईद है, ईद पे कलेजी ना हो तो ईद नहीं होती। दीमा जी सुबह से गोश्त खा खा के खुद ही मज बना खड़ा। मैंने अभी खाया और अब बाकी एकदम से फील आई है कि भाई हाँ बड़ी ईद है। साड़ी सुबह दी आई है, ईद ही आ यार। तू सुबह नहीं, मैं क्या आई हुई तो बाथरूम चल। अच्छी तरह जब कलेजी और तकरीबन दो नान अंदर गुजार लिए तो अम्मी का फोन है कि बेटा खाना बन गया। अच्छी तरह नहीं, तुम नहीं खड़ा। अम्मी का फोन है कि आके जो है ना वो खाना खा लो। मैंने उमेर को दो मेरे लुक में बचे थे वो वापस कर दिए कि रख अभी हमारा। ओके उमेर आता हूँ। अभी हमारा चाय का भी प्लान था लेकिन अब जो है वो जाके एक दफा घर जाके मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि भाई वो मैंने सुबह से तैयारी कर रही थी वो बनाया। मेन कोर्स बाकी। लेकिन कुर्बानी वाला गोश्त नहीं बना, घर में जो पहले से ऑलरेडी था वो वाले खाने बने हुए। ये इतना बेहतरीन किस्म का खाना मैं किस तरह से मिस कर सकता था? अम्मी ने बनाया शदीद मज़ेदार, मतलब अम्मी का खाना खाने से पहले पता होता कि शदीद मज़ेदार है। और इसके अंदर आलू की मैं मटन की कढ़ाई है और साथ में चिकन पुलाव है, रायता वगैरह है। तो फिलहाल इसको मैं तसल्ली बख्श खाऊंगा। अभी वैसे भी मुझे वो कलेजी और नान खाए हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है तो मेरे अंदर अच्छी खासी इसके लिए जगह बन गई है। ये थी जी हमारी टोटल ईद। तो बड़ी वैसे इसी तरह से होती है कि सुबह उठो, ईद की नमाज पढ़ो, उसके बाद नाश्ता करो, फिर कुर्बानी करवाओ, उसमें थोड़ी सी कलेजी खाओ, अपना थोड़ा सा हिस्सा रख के बाकी बांट दो। तुम पता नहीं कितने फ्रिज भरे ने, लेकिन उम्मीद है मेरी ऑडियंस इतने फ्रिज नहीं भरी होगी। तो बस मेरी ईद में तो यही वाले सारे काम थे, उसके बाद अब फारिग होकर लग रहा है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल दिन है, ईद हमारी खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी ये कि इस वीडियो को मैं यहाँ पे इसलिए खत्म कर रहा हूँ क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, इसको एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा। कल वीडियो आने में काफी लेट हो गया था, मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये वीडियो आज ही टाइम से पहुंचे। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करके इसको एडिट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख कर भाई को नाम याद रखना, इंस्टाग्राम फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज। Welcome to Shapak Gang.